दिया। She is happy, काजी। बेटा ये बताओ, टेबल पर चाय गिर गई है, इसको अपनी मातृभाषा में कैसे बोलोगे? मतलब मम्मी की भाषा में। हाँ बेटा। कौन मर गया यहाँ पर? जल्दी से पूछ लो और साफ कर। तो मेरे भी बहुत है, पर मम्मा सर्दियों में कभी चिल्लाने ही नहीं देती। हे टिया, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जरूर। अच्छा ये बताओ, अकल बड़ी की भैंस। आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? पहले उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो बताओ। मम्मा, क्वारंटाइन का हिंदी में मतलब क्या होता है? बेटा जैसे चौधरी की चौधराइन, ठाकुर की ठाकुराइन, पंडित की पंडिताइन होती है, वैसे ही कोरोना की क्वारंटाइन होती है, जिससे वो बहुत डरता है और उसका कुछ नहीं कर पाता है। आया समझ? हाँ। क्या जी अध्यापिका जी? अच्छा ये बताओ, हम हिंदी भाषा को मातृभाषा क्यों बोलते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा मेरे पापा को कुछ बोलने ही नहीं देती। टिया। यस मम्मा। बेटा आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप दिन रात मस्ती करते हो, आपको मैं कभी कोई बुक्स पढ़ते नहीं देखती हूँ, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो? मैं रोज तो बुक पढ़ती हूँ। कौन सी बुक पढ़ते हो बेटा? फेसबुक। टिया। मम्मा मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं? हाँ बेटा देख लो, बस उसे ऑन मत करना। दोस्तों मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, टीचर हमें मुर्गा मुर्गी बना देते हैं, पर अंडे एग्जाम में खुद क्यों देती हैं? नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ अपने मच्छरदानी में, मैं हूँ अपने मच्छरदानी के अंदर, और ये है मच्छरदानी, और उसके बाहर है मच्छर। और आज मच्छर मुझसे कह रहे थे, साबुनदानी में साबुन, मसाला दानी में मसाला, चूहे दानी में चूहा, तो मगर मच्छरदानी में हम क्यों, वो क्यों नहीं होते इसमें? आज वो ये कह रहे थे। दोस्तों गांधी जी के तीन बंदर होते हैं, आपको ये तो पता है, पर गांधी जी के तीन बंदर मिला के मोबाइल फोन बनते हैं। सोचो कैसे, जब हम मोबाइल पे होते हैं ना हम किसी की बात सुनते हैं, ना हम किसी को देखते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं। अब देखो मोबाइल फोन गांधी जी के तीन बंदर बन गए ना। दोस्तों जब भी मुझे बुखार आता है और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे डॉक्टर के दो बात सबसे अच्छी लगती है, एक तो दो दिन के लिए नहाओ मत और तीन दिन के लिए स्कूल मत जाओ। ये